श्रीमद एसी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिनेत वेदांत स्वामी प्रभु प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन स्टॉकहोम सिडनी और हांगकांग मुंबई में इसका ये पुस्तकों का सटाल सटूल होगा इनका। यहाँ देखिएगा इनने कमाल कर रखा कति तोड़ पाड़ रखे इन्होंने नकलिया ने देख यहाँ देखिएगा अध्याय 18 का श्लोक 66 यहाँ पर शुरू होता है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने, इन्होंने तो कमाल कर रखा है। देखिएगा अर्थ तो सही लिख रहे हैं कि कदे को हमने मूर्ख ना बता दे। सर्वधर्मान का अर्थ लिखा है समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। यहाँ ठीक लिखा अर्थ तो सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है, और यहाँ फिर नाश कर दिया उल्टा ही, यहाँ घुमाना। यहाँ अनुवाद ये है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे भांग पी रहे थे ये भी। व्रज माने जाओ, जाना होता है, यहाँ आओ कैसे बना दिया, मेरी शरण से जाओ, यत्न लगता मेरी शरण से जाओ तो भी मान जाते, फिर जाना, फिर ये नहीं पता ये जाने के लिए किसको कह रहे हैं। अब इनकी बुद्धि घूम रही थी, श्री कृष्ण जी ने सर्वेश्वर मान रहे थे ये, और श्री कृष्ण जी ने ही गीता बोली, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण जी को केंद्र बिंदु बना के सारे अनर्थ कर डाले। श्री कृष्ण जी तो आप पता नहीं उन्होंने गीता बोला क्या था, प्रत्यक्ष हो रही आपके समक्ष। अब ये और दिखाऊँ इन आचार्यों की कलाबाजी, देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज, श्रीमद्भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, ये कहाँ से इसने अनुवादित है, ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली, मुद्रक इंटर इंडिया पब्लिकेशन, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ये ऐसे ऐसे देखिए, ये भी उससे कुएं का बांधती रहे, ये सबसे ऊपर है अध्याय 18 और ये 66 मा श्लोक है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अरे वाह आचार्यो, जय हो थारी। अब लगे अथन कि सब की पालिश उतार देते हैं, आने वाले समय हम ये दुखी ना करेंगे किसी ने। ये देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके विषय में बहुत कुछ लिखा कि बड़े विद्वान पुरुष थे, भगवद गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक का सरलार्थ, सरल भावार्थ, महान विचारक तथा आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्राचीन विवेक का नया रूप हमारी आज की आवश्यकताओं को के अनुरूप प्रकट होता है। श्रीमद् भगवद गीता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिंद पॉकेट्स बुक, ये यहाँ से छपी है, मुद्रक हैं डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। अब यहाँ दिखाते हैं 18 में देगा 66 श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच, अनुवाद है, सब कृत्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये सर्वपल्ली महाराज जी के विचार देखो। अब देखो, अब आपको दिखाते हैं श्री आसाराम जी की के आश्रम से छपी, उनको मान्य है ये पुस्तक, गीता जी का अनुवाद, श्रीमद् भगवत गीता
संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। आसाराम जी क्या कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकले हुए गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक कर्तव्य होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। महर्षि व्यास जी और बता रहे ये भी इनको मान्य है, जब ये लिख रहे हैं तो ये सारा कुछ के श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से उच्चारित हुई। ये देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण वृज। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। एक और आपको दिखाते हैं हंसा देश पंथ से, जिसमें ये श्री सतपाल जी और श्री प्रेम रावत जो अमेरिका में अपना चिमटा गाड़ी में बैठे हैं उनको भी ये मान्य है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता ये कहाँ से छपी है, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद महात्मा सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसा देश, प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से, मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतना और यहाँ देखिएगा ये सतपाल जी महाराज पंजाबी बाग नई दिल्ली में इनका स्थान है। अब हम लेते हैं अपने मतलब की बात, इन्होंने तो इकट्ठा काम कर रखा है 8 और 10 अध्याय और 58 से 60 तक तो यहाँ कर दिया और 61 से 63 तक ये ऊपर कर दिया, अब 64 से 66 तक यहाँ कर दिया। 66 मायु है सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, यहाँ तक तो इसने 64 का कर दिया, यहाँ 65 और 66 का अनुवाद किया है 118 पृष्ठ पे है। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं एक और बड़े महापुरुष माने जाते हैं राम सुखदास जी, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भी माने जाते हैं शायद, इन्होंने ये इतनी मोटी पुस्तक लिख रखी है साधक संजीवनी, हे भगवान, इसमें छोटे छोटे अक्षर और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर इन्होंने पूरा काटा जोड़ रखे हैं, लगभग 17 पृष्ठ पर रखे उस अज्ञान को सेट करने के लिए, फिर भी नहीं कर पाए। ये देखिएगा यह साधक संजीवनी है श्री राम सुखदास जी द्वारा, इसका अनुवाद है ये देखेंगे यहाँ पर, सचित्र साधक संजीवनी प्रशिष्ट हिंदी सहित सचित्र साधक संजीवनी, राम सुखदास इसके अनुवादक और गीता प्रेस गोरखपुर इसकी मुद्रक है प्रकाशक है। हाँ देखिएगा उत्तरागत बोलिए ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज। क्या कहते हैं स्वामी जी, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, ठीक है। और देखो इन्होंने 1200 से लेकर और यहाँ कर दिए 1700 तक, 1200 लेकर 1217 तक वो तरह, और इसी छोटे छोटे अक्षर देखो ये यहाँ तक है, यहाँ 1200 से प्रारंभ हुआ है 1200 प्रश्न नंबर 1200 और ये कहाँ पहुँच गया ये देखिएगा 1217 तक, यानी 17 पृष्ठ ठोक दिए इस अज्ञान को सेट करने के लिए कि वर्ज माने जाना आना कैसे लिखा है। और जो कितने छोटे छोटे बारिक सब कितने बड़े प्रश्न ये इन्हें कै खे का भी नहीं पता था और इसे मोटी मोटी पुस्तक बना डाली। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया कि तुम कौन, राम का जपते जापम
और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। क्या बताते थे परमात्मा? काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। तुम श्री राम, तुम श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी को परमात्मा मानते हो, श्री राम को तुम भगवान मानते हो। जब आपत्ति आई, लंका का युद्ध हो रहा था, श्री रामचंद्र सेना सहित नागफास में आगे थे, सभी सेना को श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद तक को, सभी को नागा, इतने नाग प्रगट हो गए, सभी को बांध लिया, लपेटा ला दिया, हाथ सीधे खड़े हो गए उनके, टस से मस नहीं हो पा रहे थे और सबके जान ने बीत गई थी, मुसीबत आ गई थी। क्या कहते हैं कि फिर गरुड़ से, जो श्री विष्णु जी के वाहन हैं गरुड़ पक्षी, उसको प्रार्थना की गई, उसको याद किया। गरुड़ ने आकर के श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे, वो नाग काट दिए, मारे खाए, तब श्री रामचंद्र जी मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारा श्री राम शक्तिशाली है या गरुड़ ताकतवर होया, ये कौन से भगवान मानोगे तुम? कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आप परमात्मा इसलिए मान रहे हो कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनवा दिया। अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ये खाली हो गए थे, इनमें कौन सा परमात्मा हुआ? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, समुद्र को पाट माने उसके ऊपर पुल बना के उसको छाप के, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। यदि आप इसी उपमा से भगवान मानते हो तो अगस्त ऋषि ने तो सातों पी लिए, श्री रामचंद्र जी ने तो एक छोटा सा पुल बनाया इसके ऊपर, फिर कौन सा भगवान हुआ? फिर तुम अन्य उपमा करते हो कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज को उठा लिया था। परमात्मा कहते हैं हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाया, और तुम्हारी लोकवेद बताते हो तुम ही कि शेष नाग पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, तो फिर पृथ्वी तो उस शेष नाग के सिर पर बताओ तुम, फिर भगवान यू भगवान कैसे हो गया? इस दृष्टिकोण से तो शेष नाग भगवान हो गया, या इसके पैरेलल हनुमान भगवान हुआ। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। परमात्मा क्या कहा करती थी कि सत साधना कर ले प्राणी, और तू यहां दो दिन के लिए आया हुआ है, इन बकवादाना छोड़ दे, जो अन्य साधना तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, ये दो दिन का तेरा तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला, अंतकाल उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडन, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान।